नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आपको जेट एयरवेज से रिलेटेड सारी अपडेट्स देते रहता हूं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, जेट एयरवेज का जो मामला है वो 10 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है क्योंकि कोई भी बिडिंग की न्यूज़ नहीं आ पा रही थी, कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नया नहीं आ पा रहा था। पर वहीं एक पॉजिटिव खबर निकल आ रही है दोस्तों कि रिलायंस यानी देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी अपने नज़र गड़ाए हुए हैं जेट एयरवेज पर और बहुत ही जल्द ये शायद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के लिए रुचि दिखा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बात है कि अभी तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिलायंस जियो ने जमा नहीं किया है, पर ऐसी खबरें रिवील हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी की नज़रें हैं इस पर और अंत तक आते आते कोई भी फैसला मुकेश अंबानी ले सकते हैं। उसी के साथ बता दूं दोस्तों, अगर ये फैसला लेंगे तो वो एतिहाद एयरवेज के साथ इस फैसलों को मिलकर अंजाम देंगे। आपको बता दें कि एतिहाद एयरवेज के पास पहले से ही 24% की हिस्सेदारी है और इसी के साथ ये मिलकर लेंगे हिस्सेदारी, तो 49% हिस्सेदारी हो जाएगी एतिहाद और रिलायंस की मिलाकर, और उसके साथ बाकी मामला के साथ जेट एयरवेज अपना रिवाइव हो जाएगा। तो ये अभी कुछ सूत्रों के मुताबिक ये बातें बताई जा रही हैं, कुछ कन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या 10 अगस्त को जेट एयरवेज का रिवाइवल के बारे में क्या प्लान सामने निकल कर आता है। आपको बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर में भी काफ़ी हंगामा किया जेट एयरवेज के एम्प्लॉयज़ ने, क्योंकि उनका कहना है कि हमको पूरी सैलरी नहीं तो कम से कम एक महीने की सैलरी दी जाए। ये है अभी तक की रिपोर्ट जेट एयरवेज से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मैं आपको मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन गुरु के साथ और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। We'll be right back.